नमस्कार, मैं राजन सिंह क्यूरा, फैकल्टी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। डिजिटल लाइफ की समझ के लिए मीडिया साक्षरता। जब तकनीकी विकास तीव्र होता है तो तकनीकों का प्रयोग जीवन में बढ़ जाता है। वह स्वयं डिजिटल मंच पर जीवन का हिस्सा बन जाता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर लोगों के बहुत से प्रशंसक एवं मित्र होते हैं जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, परंतु वास्तव में वे अकेले होते हैं। हम कई बार अपने परिचितों व मित्रों की कोई पोस्ट या फोटो देखते हैं तो वास्तविकता से कई गुना अधिक आकर्षक होती है, जिसे देखकर हम बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं या अधिक दुखी हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि डिजिटल मंच पर फोटो को आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित कर मनचाहा रूप दे सकते हैं। इससे पीछे का चित्र मस्तिष्क पर लाए तो व्यक्ति कई फोटो में से सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक दिखने वाली फोटो को ही पोस्ट करता है, जिसमें लाइक की उम्मीद अधिक की जाती है। बहुत से कार्यक्रमों में लोगों का ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि वह कार्यक्रम के उद्देश्य को भूलकर आकर्षक फोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं। वो उसे अपने जीवन में इस प्रकार शामिल कर लेते हैं कि मोबाइल के बिना क्षण भर भी अलग नहीं रह सकते। वे समाज में अकेलेपन की समस्या से ग्रसित होते चले जाते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना और सोशल मीडिया मंच पर स्वयं को डिजिटल युद्ध जाने में मीडिया साक्षरता की अहम भूमिका है। आज के बच्चे वीडियो गेम और युवा सोशल साइट्स पर अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, वो एक वर्चुअल जीवन को जीने लगते हैं। इसी वर्चुअल जीवन को जैसे अनेक विज्ञापनों, कार्टून चरित्रों को जीता हुआ देख सकते हैं, जैसे बच्चा अपने आप को छोटा भीम, स्पाइडरमैन आदि कहलाना पसंद करता है, वो उसी प्रकार के कार्यकलाप करता है। बच्चे कई बार विज्ञापन में दिखाई गई वस्तुओं को लेकर भी जिद करते हैं, जिससे अभिभावक यह जानकर आश्चर्य होते हैं कि वस्तु का नाम, रंग, उपयोग आदि बच्चे को रटे हुए होते हैं, जिसे मीडिया साक्षरता द्वारा ही स्पष्ट रूप से समझा व जाना जा सकता है। कमोवेश यही स्थिति युवाओं की भी है। भारतीय सिनेमा जगत का एक अच्छा उदाहरण है, जब एक युग में लोग, जो दर्शक हैं, एक रील जीवन को जीते थे, वे इस कदर सिनेमा के वशीभूत थे कि स्वयं को एक फिल्म का चरित्र समझने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, और इसी भ्रम में वे अपना वास्तविक जीवन एक रील लाइफ में जीने का संघर्ष करते हैं। डिजिटल ढंग से सोचने का अभ्यास करने हेतु मीडिया साक्षरता क्या है? क्योंकि मीडिया साक्षरता सामान्य सी प्रतीत होने वाली सूचनाओं को जटिल तरीके से सोचने के अभ्यास को मजबूती प्रदान करता है। यह तरीका धीरे धीरे हमारे व्यवहार में शामिल होने लगता है, जो सूचनाओं को स्पष्ट साकार रूप में देखने में हमें मदद करता है। जैसे एक बीमा कंपनी द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें एक फोटो के साथ कुछ शर्तें लिखी हुई हैं होती हैं। फोटो काफ़ी जगह लिए हुए है। फोटो में एक हंसता खेलता परिवार होता है, जो समुद्र के किनारे बच्चों
एक लड़का वो एक लड़की के साथ अपना स्वयं और पत्नी के साथ साइकिलिंग करते हुए, खिलखिलाते हुए अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देता है, जिन्होंने हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे पकड़े हुए हैं और परिवार मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग का सा प्रतीत होता है। सामान्य सा यह दिखने वाला चित्र कई बिंदुओं पर आकर्षित करने वाला है। इसको गहराई से समझे तो सामान्यतः एक नौकरी पेशा या मध्यम उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में सदैव ऐसी चाह रहती कि वह अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में मौज मस्ती करें। परिवार में एक बेटा और एक बेटी का होना संतुलन की चाह को दर्शाता है। अब हम मीडिया साक्षरता के दृष्टिकोण से सोचें तो स्थिति संदेश अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ प्रश्न करने होंगे कि किस आयु वर्ग के लिए क्यों बनाया गया है। तो उत्तर मिलेगा, बच्चों के माता पिता को लक्षित किया गया है। क्यों किया गया है, इसका उत्तर है क्योंकि बीमा कराने वाले लोग यही हैं। तर्क को पहचान कर मूल्यांकन करें तो हम इस विज्ञापन में तर्क संदेश छिपा है कि बीमा करा दिया जाए तो व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाएगा। फोटो में दिए गए परिवार की तरह ही खुशहाल हो जाएगा। वह व्यक्ति फोटो वाले परिवार की तरह स्वयं भी सुखी रहने की कल्पना बलवती होने लगती है। परंतु इसमें तार्किक पहलू देखें तो बीमा करने मात्र से परिवार सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। मूल्यांकन करें तो बीमा करने से पैसा जेब से निकलेगा, वो भार बढ़ेगा। तर्क में विसंगतियों को पहचान कर त्रुटियों को जाने तो इस विज्ञापन में एक तरफ जेब से पैसे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ विज्ञापन जता रहा है कि यह सब आपकी खुशियों के लिए ही तो किया जा रहा है, जिससे आप आज़ाद महसूस करें। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपकी पत्नी या पति छरहरे या बच्चे 8 से 10 आयु वर्ग के बीच ही हों। यह भी ज़रूरी नहीं कि आपका पहनावा मॉडर्न समाज के अनुरूप हो, जबकि जो चित्र दिया गया है उसमें ऐसा दर्शाया गया है। ये सभी एक आदर्श व खुशहाल परिवार को प्रस्तुत करते हैं। मीडिया साक्षरता कभी भी सूचना के गलत या सूचना गलत या सही होने की जांच नहीं करता, बल्कि सूचना को स्पष्ट रूप से जानने की कला का विकास करता है। जैसा कि उपरोक्त तर्क से यह स्पष्ट होता है कि बीमा करना गलत या सही है, किंतु यह बताने का प्रयास किया गया है कि फोटो के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को जानकर स्वयं निर्णय लेने में समर्थ बन सके कि वह शर्तों और नियमों की जांच करने का तर्कपूर्ण निर्णय ले सकें, जिससे हम सुसंगत व्यवस्थित तरीके से सूचनाओं को पहचान सकें। पर्दे के पीछे के सच को जानने हेतु मीडिया साक्षरता। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर टीवी प्रसारण कार्यक्रमों में महाभारत व रामायण के प्रसारण ने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये प्रसारण कार्यक्रम भारतीय समाज में लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए थे, रज बस गए थे। बहुत से लोग नाटक के इन पात्रों को भगवान के समान सम्मान आदर देने लगे थे। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग कलाकारों से भी भगवान के समान आचरण की अपेक्षा करने लगे हैं।
अपेक्षाकृत आज स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आया है। आज के समय में तकनीकी विकास होने से लोगों के हाथों में मोबाइल आया है। आज दर्शक स्वयं सूचना एवं मनोरंजन प्रदाता की भूमिका में है। आज भी बहुत से लोग केवल सूचनाओं के अंश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वे इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जैसे आकर्षक तेज़ रंगों का प्रयोग, धीमा मधुर संगीत, डरावना या तेज संगीत, आकर्षक वस्त्र सज्जा व विभिन्न प्रकार के प्रकाशों का प्रयोग इत्यादि, ये सभी हम किसी एक वीडियो चित्र में आँखों से देख सकते हैं, किंतु कभी कभी हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इस फिल्म या सूचना का वीडियो कौन बना रहा होगा, वह क्या परिस्थितियाँ होंगी, लगभग कितने लोगों की टीम ने मिलकर यह काम किया होगा। मैन वर्सेज वाइल्ड एक टीवी शो है जिसमें वेयर गिल्स को ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसे कि वह जंगल में अकेला है, जबकि उसके साथ कैमरामैन के अलावा एक छोटी सी टीम शामिल थी जिन्हें कैमरे के पीछे रखा गया था। कैमरे के आगे केवल वेयर गिल्स को रखा गया है। यदि हम कैमरे के पीछे के लोगों की कल्पना का दृश्य चित्रण करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बेयर गिल्स अकेले नहीं, उनके आसपास लोग हैं, तो हमारे अकेलेपन का भय खत्म हो जाएगा। साथ ही शो को देखने का दृष्टिकोण भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कई बार दर्शकों में सनसनी पैदा करने के लिए या अधिक आकर्षक बनाने के लिए ग्राफिक्स व विजुलाइजेशन का प्रयोग होता है। इन तकनीकी प्रयोगों को जोड़कर देखने में व अलग करके देखने में स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, साथ ही एक निर्णय निर्माण की स्थिति भी आसान हो जाती है। लेखक के दृष्टिकोण को समझने हेतु मीडिया साक्षरता क्या है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें लेखकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक समय था जब अखबारों के मध्य में छपने वाला पेज संपादकीय बड़े चाव से पढ़ा जाता था, एडिटोरियल पेज जिसको कहा जाता है। गंभीर लेखों के माध्यम से गंभीर मुद्दों पर मंथन होता था, किंतु पीड़ित पत्रकारिता के चलते गंभीर मुद्दे भी शंका की दृष्टिकोण से आधे मन से स्वीकारे जाने लगे हैं। यदि हम डिजिटल प्लेटफार्म की बात करें तो बहुत से ऐसे वाक सामने आए हैं जिससे यह सोच पैदा होती है कि ये कौन व्यक्ति है जो ऐसे विचार को समाज के बीच लाने का प्रयास कर रहा है, वह इसकी विचारधारा आम विचारधारा से अलग क्यों है और क्या संदेश देना चाहता है। एक लेखक कहानीकार के रूप में पर्दे के पीछे से किसके विचार विभिन्न चरित्रों के रूप में चित्रित हो रहे हैं। मीडिया साक्षरता हमें इस तथ्य की समझ प्रदान करती है कि पटल पर क्या कहने का प्रयास हो रहा है एवं लेखक अपना दृष्टिकोण प्रथम, द्वितीय व तृतीय वचनों के माध्यम से कहता है। यह दृष्टिकोण क्या है, इसे मीडिया साक्षरता द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कहा जा सकता है कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए मीडिया साक्षरता के लिए नए प्रकार की शिक्षा जगत अथवा उन्नत तकनीकी जगत में एक जागरूक उपभोक्ता होना नितांत आवश्यक है। मीडिया शिक्षा साक्षरता एक नवीन ज्ञान की शाखा है जिसे आज के उपभोक्ताओं को समझना बहुत जरूरी है।
कि क्या फेक न्यूज है, क्या आप खबरों के आदी यानी कि लती तो नहीं बनते चले आ रहे हैं। नई जगमग वाली इस दुनिया में अपने अस्तित्व, विचार, दर्शन को कैसे मजबूत बनाए रखते हुए, तकनीकों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो फिल्म हो, वीडियो गेम हो या सोशल साइट हो जिसमें लोग अपना घंटों समय बिता देते हैं। अंत में लगभग 5 या 10% ही उपयोगी सामग्री प्राप्त करते हैं, बाकी अन्य समय की बर्बादी होती है। आज भारत में सर्वाधिक युवा वीडियो गेम में अपना समय व्यतीत कर जागरूकता से कोसों दूर है। एक सर्वे के अनुसार यह चयन की योग्यता है कि बहुत से दर्शक पूर्व से यह सुनिश्चित नहीं करते कि उन्हें टीवी पर या सोशल साइट्स पर क्या देखना है। वे अपना बहुत या बहुत सा समय अलग-अलग चैनलों व साइटों में प्रवेश करते जाते हैं, इसी में व्यतीत कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कई बार उन्हें स्पष्ट रूप से अन्य कार्यक्रम देख लेने के बहुत बाद में याद आता है कि वो क्या देखना चाहते थे। कई बार बोलने वाले की भाव भंगिमा इस ओर इशारा करती है कि वह झूठ बोल रहा है। ऐसा हमें बहुत से साक्षात्कारों में देखने को मिलता है। मीडिया साक्षरता एक जिम्मेदार सोच को तैयार करने का कौशल पैदा करती है, जो अतिवाद व जड़ता से बचाते हुए कुशल उपभोक्ता व प्रदाता बनने में सहायक होती है। धन्यवाद।